अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मौसमानवी डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14, डेट इज़ रिप्रोडक्शन। इससे पहले मैंने आपको रिप्रोडक्शन, उसकी टाइप्स, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स। रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह रिप्रोडक्शन रैबिट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो हैं, जिस तरह गोनर्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो हैं टेस्टिस। तो जो टेस्टिस हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओवरव्यू करें तो हम कहते हैं कि ये इस तरह मेल लाइक, इस तरह बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, इस स्क्रोटम में जो सेमी कॉइल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ये इसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, ये है बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर जो कॉइल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो प्रोसेस पूरा है, इसे हम कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, इसमें स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पर्म्स जो हैं, ये जब मेच्योर होंगे, होने के बाद ये एक्यूमुलेट कर जाते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। इसके बाद ये जो है, ये इधर जाएंगे, ये एपिडाइडिमिस है, ये है एपिडाइडिमिस। ठीक है, ये भी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। अब एपिडाइडिमिस से आगे फर्दर जो है वेस डेफरेंस में, ये प्रेजेंट है वेस डेफरेंस, इसे हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये है यूरिनरी ब्लेडर। तो स्टूडेंट, स्पर्म डक्ट से होते हुए ये इधर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में एक्यूमुलेट होंगे, वहाँ से एपिडाइडिमिस में जाएगा। एपिडाइडिमिस से होते हुए ये वेस डेफरेंस जो है वहाँ जाएंगे। अब जो बोथ स्पर्म डक्ट्स हैं, वो जिस पॉइंट पे यूनाइट होते हैं, वहाँ होगा ये यूरिथ्रा इस जगह पे। ठीक है, इधर जो ग्लैंड प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड जो है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। इस जगह पे जाकर यूनाइट होंगे वेस डेफरेंस, और वहाँ प्रेजेंट, इसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, वो यूरिथ्रा में चले जाएंगे। अब जो यूरिथ्रा है, ये स्पर्म्स और यूरिन मेल में ये दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जो इसमें जो सीमन जो फ्लोट होता है, उसे हम कहते हैं सीमन, जिसमें 10% स्पर्म्स होते हैं और 90% जो है वो फ्लोट होता है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, सिक्रीशंस को ऐड करता है। और जो ये वाला ग्लैंड है, ये है सेमिनल वेसिकल, और ये वाला है कूपर्स ग्लैंड। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को। सेमिनल वेसिकल्स जो हैं, ये सिक्रीशंस जो हैं वो ऐड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो ये कूपर ग्लैंड है, ये लुब्रिकेट करता है सीमन को। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट्स जो है उनका, कि गोनर से टेस्टिस में, टेस्टिस गोनर जो है इसमें टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस जो है प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स को। स्पर्म्स मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद जो कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यहाँ से ये एपिडाइडिमिस में जाएंगे। एपिडाइडिमिस से ये स्पर्म डक्ट जो है, इसे हम वेस डेफरेंस भी कहते हैं, इसमें जाएंगे, ये यूनाइट होगा यूरिथ्रा पे। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के, ये यूरिथ्रा पे जाकर यूनाइट होगा। और यहाँ जो इधर जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस होंगी, वो प्रोस्टेट ग्लैंड से होंगी, वो न्यूट्रलाइज करती है एसिडिटी को। इसके अलावा सेमिनल वेसिकल सिक्रीशंस के लिए, कूपर लुब्रिकेट करने के लिए। और यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा वो सीमन, ये सीमन जो है इसके अंदर 90% फ्लोट होता है और 10% जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये था सारा स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट्स का। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट्स में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑब्वियसली ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, यानी कि पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा ये फेलोपियन ट्यूब्यूल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्यूल्स। ये वहाँ फर्टिलाइजेशन इस जगह पर होती है फेलोपियन ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये इसे हम कहते हैं यूट्रस। और ये यूट्रस जो है, ये आगे इधर सर्विक्स होती है। सर्विक्स हम कहते हैं ऐसी ओपनिंग जो कि यूट्रस को और जो बर्थ के नाल, यानी वजाइना, उसको सेपरेट करती है, उसे हम कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, और ये है बर्थ के नाल, या होगा कि ओवरीज जो हैं ये प्रोड्यूस करेंगी और एग्स प्रोड्यूस होंगे, ये एग्स इधर जाएंगे और ये इधर जाके फर्टिलाइजेशन होती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगी कि जो स्पर्म्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम सर्विक्स टू यूट्रस एंड यूट्रस टू वेजाइना, और जो एग्स हैं ओवरीज प्रोड्यूस करेंगी एग्स को, एग्स जो हैं ये इस फेलोपियन ट्यूब्यूल्स में जाएंगे, और इधर से जो स्पर्म्स हैं ये आपस में फ्यूज होंगे, और जिस पॉइंट पर ये फेलोपियन ट्यूब्यूल्स जो हैं, यहाँ इधर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन से न्यू जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा और वो डिप्लॉयड होगा।
तो स्टूडेंट्स जो फर्टिलाइजेशन रैबिट्स की होती है वो समर्स के सीजन में तो ये स्टराइल हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरे सीजन है उसमें इसी तरह ये फर्टिलाइजेशन होती है। उनकी फर्टिलाइजेशन में 30 से 32 डेज जो है, 30 से 32 डेज के बाद न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है आपको एग्जाम में, राइट नोट ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपने डायग्राम जरूर ड्रा करनी है। और अगर आता है कि राइट नोट ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो तभी आपने ये डायग्राम और साथ में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं वो आपने ड्रा कर देने हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स, तो हमारा ये चैप्टर रिप्रोडक्शन का कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।